तो गाइस आज अपने पास आई है किया की सेल्टोस, जिसमें हम चाह रहे फुल डेंटिंग पेंटिंग होगी गाड़ी की एंड गाड़ी में मैकेनिकल सर्विस होगी, गाड़ी में फुल सर्विस होगी एंड डेंटिंग पेंटिंग होगी। तो इस गाड़ी में छत के अलावा हम पूरी गाड़ी डेंटिंग और पेंटिंग करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो रिजल्ट आपको आफ्टर दिखेगा। साथ ही गाइस इस टाइप की गाड़ी में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। इस गाड़ी में पर्टिकुलरली कस्टमर ने 2 से 3 सालों में बाहर पेंट कराया था, इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी जो कि यूएस ओनर थे, उन्होंने 2-3 पैनल पर गाड़ी में पेंट ऑलरेडी कराया हुआ था। तो उसमें जो 3 पैनल पेंट हुआ था, तीनों पैनल का कलर अलग था। तो कस्टमर ने खुद ही बोला आप पूरी गाड़ी पेंट कर दीजिए, छत मत करिए, छत ऑलरेडी रैप थी ब्लैक कलर में। एंड जो पेंट हुआ था उसमें जो बॉडी लाइन्स होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेंट में, उसमें जहाँ भी पेंट कराया था बॉडी लाइन एकदम गायब कर दी, सरफेस फ्लैट जो दरवाज़ा होता है, पीछे के फेंडर होते हैं, क्वार्टर पैनल होते हैं, पूरे फ्लैट कर दिए थे। तो आप देखेंगे कि इतने प्रॉपर उन्होंने इसमें बकायदा डेंटिंग लाइन बनाई है एंड उस लाइन को फिर पुट्टी से इतना रिफाइन कर दिया गया है। तो उस लाइन को रिफाइन करके जो उसका रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। गाड़ी लगा कि हाँ ये OEM पैनल रिप्लेस हुआ है या OEM पैनल पेंट हुआ है या OEM पैनल चेंज करके नया पेंट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है उसका। Waiting for your storm to settle as I look toward the sea. Dust in your eyes like the water as the tide it consumes me. ये देखिए आपको इस गाड़ी का पेंट कोट दिया हुआ है KLG, सो इसी पेंट कोट पे इस गाड़ी का पूरा कलर बनेगा, जिसमें अपर बॉडी तो आपका अपर रूफ पूरा का पूरा ब्लैक तो है डबल टोन में, सो पूरी की पूरी साइड बॉडी को पूरे बोनट सारे डोर्स बम्पर क्वार्टर पैनल पूरी के पूरे पेंटेड पार्ट को फिर से रिपेंट किया जाएगा। सो जब ये गाड़ी पूरी बन जाएगी तब आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। बॉडी का काम हो चुका है, इसमें पूरी गाड़ी की सैंडिंग हो चुकी है, जहाँ जहाँ हल्के फुल्के भी डेंट थे उसको भर दिया गया है। तो देख सकते हैं पूरे पैनल भर दिए गए, जहाँ पे लाइंस ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये बाहर पेंट हो चुकी है, तो दोबारा लाइंस बना दिए गए प्रॉपर। इस साइड भी यही हालत था, पूरा लाइनिंग ख़राब हो गया था, पूरा लाइन बना दिया गया है, पूरी गाड़ी में जगह जगह पर पुट्टी कर दी गई है। अब ज़्यादा गाड़ी पूरा प्राइमर होगा एंड उसके बाद गाड़ी पेंटिंग ली जाएगी मास्किंग के बाद। As the tide it consumes me, you would never see me if my walls came down. That is underwater, you would let me drown. Watching his eyes suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Tell me till I black out, put your hands around. And I'm not what I'm dancing. She said, worship me. तो गाइस पेंटिंग के प्रोसीजर अगर कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को, ऐसे कि जिस पैनल में कस्टमर ने ऑलरेडी पेंट करा चुके हैं, जो पैनल ऑलरेडी पेंट हुआ उसमें बहुत ही हैवी पुट्टी भरी हुई थी, बॉडी लाइन्स तो गाड़ी में बिल्कुल नहीं थी बट पुट्टी काफ़ी हैवी थी। तो पुट्टी को निकालने के बाद जब बॉडी लाइन बनाई गई तो उसमें कुछ स्टेजेस बढ़ जाते हैं। तो पहले तो उसमें बॉडी फ्लर भरा जाता है, बॉडी फ्लर डेंटिंग भरा जाता है, मिनिमम भरा जाता है जो माइन्यूट डेंटिंग के होल्स होते हैं उसको कवर करने के लिए। उसके बाद हम लोग उसमें करते हैं पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद पूरी गाड़ी पे एक चेक पुट्टी होती है एंड चेक पुट्टी करने के बाद गाड़ी पे प्राइमर मारा जाता है। प्राइमर मारने के बाद गाड़ी पे फाइनल बेस कोट मारा जाता है। बेस कोट जो पहली लेयर मारते हैं तो गाड़ी में जो अगर कुछ भी इन्फॉर्मिटीज़ या कुछ भी इरेगुलरिटीज़ रहती है तो वो बेस कोट बिक जाता है। उसके बाद हम लोग एक चेक पट्टी आती है, ट्यूब वाली स्पेशली आती है, जो 5 लाइन चेक पट्टी होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसे कम यूज़ करते हैं। तो उस चेक पट्टी से हम लोग जो माइन्यूट जगह जगह पे डिफेक्ट दिखते हैं फर्स्ट बेस कोट के उसको मारते हैं एंड अगर फिर ज़्यादा जगह पर अगर ऐसा हो जाता है तो दोबारा पूरी गाड़ी बेस कोट मार के 2-3 लेयर की भी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए। इस पर्टिकुलर गाड़ी में उन्होंने 3 लेयर बेस कोट मारा था, उसके बाद हम लोग गाड़ी को क्लियर मारते हैं। गाड़ी की फुल पेंटिंग हो गई है एंड इसमें अभी हम लोग को रबिंग अलग काम, दूसरा साइडनिंग काम, बाकी सर्विस अलग काम भी गाड़ी में ऑलमोस्ट हो गया है एंड लुक है इसका अभी तक का काफी अच्छा निकल गया है। पेपर रबिंग हो जाएगी फिर इसकी शाइन दिखाते हैं आप लोग को। फैन सर्विस का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कूलिंग वन चेंज हो गया, फिल्टर वगैरह सारे चेंज हो चुके हैं। As the tide it consumes me, you will never see me if
ये किया सेल्टॉस का बिफोर देखा था आपने, ये सेल्टॉस का आफ्टर देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है। फुल कार पेंटिंग हुई है छत को छोड़ के, छत पे रबिंग हुई है एंड शाइन देख सकते हैं क्या एकदम क्रिस्टल मिरर फिनिश आ रहा है, लाइट का फुल रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको एंड साथ ही में इसमें अंडर बॉडी कोटिंग हुई है एंड बाकी गाड़ी पॉलिश हुई है, इंटीरियर साफ हुआ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है गाड़ी। इस गाड़ी में हम लोग ने अंडर बॉडी कोटिंग भी किया है, प्रीएम के अंडर बॉडी कोटिंग किया है, उसका फुटेज आपको मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिखेगा, बट इसमें हम लोग ने फुल मैकेनिकल सर्विस किया है, अंडर बॉडी कोटिंग किया है एंड पूरी गाड़ी की पेंटिंग की है। इसमें हम लोग ने अलॉय एंड रूफ को पेंट नहीं किया, बाकी पूरी गाड़ी पेंट हुई है, तो आप उसका आफ्टर इफेक्ट देखें। उसके अलावा हम लोग ने पूरी गाड़ी वॉशिंग किया है, डिटेलिंग किया है, डिटेलिंग एक्सटीरियर डिटेलिंग किया है, इंटीरियर डिटेलिंग नहीं किया, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। आप बताइए आप लोग कमेंट्स में कि आपको रिजल्ट कैसा लगा, क्या काइंड को इस गाड़ी में कलर चेंज करना चाहिए था इस शेड में, कि इसी यही कलर गाड़ी के लिए सेल्टॉस के लिए अच्छा लग रहा है।